आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए पूर्व अध्यक्ष और दो अन्य लोगों को लेकर शिमला में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्ष की गतिविधियों और उनके आचरण को लेकर आम आदमी पार्टी उन पर कार्रवाई कर उन्हें निकालने जा रही थी, लेकिन भाजपा ने अपनी चाल चरित्र और चेहरे को दिखाकर ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया। शिमला में आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा, एसएस जोगटा और मुनीश शर्मा ने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों की पार्टी के भीतर कोई जगह नहीं है। ऐसे में इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोगों को कोई जगह नहीं है और इस तरह के लोग समय पर चले जाए तो अच्छा है। हमारे जो अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, वो रात को 12 बजे भारतीय जनता पार्टी उनको ले गई और बाद को 12 बजे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ज्वाइन करवाया और रात को 12 बजे अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ बहुत संगीन आरोप थे, बहुत गंभीर आरोप थे, उसको भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जो है आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि नड्डा जी का आज यहां पे कार्यक्रम था, उससे पहले एक बड़ी एक वो टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज में ऐसी चीज चलाना चाहते थे। भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिस व्यक्ति को महिला के उत्पीड़न मामले में जो संलिप्त हो और ऐसी अभद्र टिप्पणियां वो महिलाओं के खिलाफ कर रहा हो, पार्टी उसको ऐसी आज निकालने वाली थी? उसको पता चल गया कि आज उसको निकालने वाली है और रातों रात रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी को चला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो भी जाता है वो शुद्ध हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही एक पार्टी है जहां पे जितने जो लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं, जो बेईमान लोग हैं, ठग लोग हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि अनूप केसरी के जाने से पार्टी को कोई वो नहीं नुकसान नहीं है और हमारा जो कार्यकर्ता है उत्साहित है, वो खुश है कि समय पे ऐसा व्यक्ति निकाल दिया गया। निकाल दिया जाता तो अच्छा था, लेकिन आम आदमी पार्टी आपको पता है शालीनता की पार्टी, ऐसे काम नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए वो, तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था। दूसरा विषय, आज जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो शिमला दौरे पे एक रोड शो पे आए। देखिए मंडी में जो अरविंद केजरीवाल जी ने रोड शो किया उसे खलबली मच गई, उसे बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी आपको साफ साफ दिख रही थी। आपने भी प्रेस बाइट्स की होंगी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बात की होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आज रोड शो था वो फ्लॉप शो था। 1500 लोग, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और प्रशासनिक जितने हमारे, चाहे डीसी ऑफिस हो, अन्य जितने ऑफिस हो, सबके कर्मचारी वहां बुके लेके उन्होंने खड़े कर दिए कि नड्डा जी का स्वागत करना है। अरे जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता ना बचा हो, जो सारी चीजें पेड ही कर रहा हो, सब चीजें पैसों पे हो रही, रिज मैदान पे होर्डिंग लगा दिए। आप मुझे बताइए, आम जनमानस यहां पे है, सारे लोग हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप देखिए वहां पे रिज पे किसी की होर्डिंग लगाने की इजाजत है? पूरा माल रोड उन्होंने 5-5 मीटर के अंदर भर दिया जगत प्रकाश नड्डा जी और सारे उनके कार्यकर्ता, जितने उनके नेता है, कील ठोक के हथौड़ा लेके लोगों के घर जा रहे अपने कार्यकर्ताओं की, फलाना राम ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ वर्कर, ये कहीं जाए ना। भाई ऐसी नौबत क्या आ गई, ऐसी बौखलाहट, ऐसी चीज क्या आ गई है आपके अंदर कि आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है? क्या उनको जाने का डर सता रहा है? अरे हमसे तो ऐसे डिस्कंटेड लोग जाते रहेंगे और अन्य दलों से जितने चोर लुचक के आप लेते रहे, अपने आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको संभालने के लिए आप इस तरीके के जो हथकंडे बना रहे हो, निश्चित ही वो लोग जितने अच्छे लोग हैं वो सारे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले। आप दे चुके हैं कि वो इसी भुलेखे में रहे और यही कहते रहे कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा वजूद कोई नेता नहीं है, हमारा वजूद कोई बहुत बड़े बड़े अध्यक्ष नहीं है, बाकी अदा पदाधिकारी नहीं है, हमारा वजूद जनता है। आप देख रहे हैं आज एक व्यक्ति को निकाला, व्यक्ति के निकालने के बाद, व्यक्ति के पार्टी छोड़ने के बाद कोई कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस आता है? सुना होता है कांग्रेस 4 स्टेट हारी, एक आदमी मक्खी वहां पे उड़ाने वाला नहीं था कांग्रेस के दफ्तर में। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब का चुनाव हमने जब क्लीन स्वीप किया, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में शोक का माहौल था। अरे भाई हमारा ऐसा व्यक्ति गया जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप थे और इनको इसी भुलेखे में रहने देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, आम जनमानस है, वो 2022 में तय करेगा कि किसकी सरकार बनानी, किसकी नहीं बनानी है। और कांग्रेस को तो हम अपने मुकाबले में नहीं मानते क्योंकि है नहीं, पूरे देश में वो विलुप्त होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को, जैसे हमारे बड़ा नेता भी कहते हैं, आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी को निपटाना हमें आता है और आम जनमानस अब ये जान चुका है कि ये ठग लोग हैं और ये जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी उस पर ये काम नहीं करते, इनका दिखाने और पिछला चेहरा कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर
ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी के क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएं, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पे शुरू कर